सर सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रैंड सक्सेस हो चुका है आपका सॉन्ग, 1.1 मिलियन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं कि गाने को इतना ज़्यादा प्यार मिला और आज इतने बड़े सक्सेस में गाना, गाने को तो महीने लग जाते हैं मिलियंस में पहुँचने में, कुछ ही हफ्तों में गाना मिलियंस में पहुँचना, 40,000 से ज़्यादा रील्स बनना इंस्टाग्राम में, सेकेंड डे ट्रेंडिंग, थर्ड डे ट्रेंडिंग यूट्यूब, फोर्थ डे ट्रेंडिंग स्पॉटीफाई पे आना, यार कोई सुपरस्टार के घराने से नहीं हूँ या सुपरस्टार नहीं था मैं, आप लोगों ने जो तरीके से मुझे प्यार दिया था, सबसे पहले उस हफ्ते में मैं इतना स्ट्रेस हो गया था कि उस हफ्ते में सलमान भाई का गाना रिलीज़ था और बड़े बड़े गाने रिलीज़ थे, मैंने तो सोचा था कि मैंने गलती कर ली रिलीज़ करके, जो मुझे प्यार मिला वो गाने को लेके, जो टक्कर में गाना चलने लगा और गाना आगे निकला, हैट्स ऑफ, आप लोगों का प्यार है जो आदिल खान दुरानी को बनाता है और हर हमेशा मुझे प्यार करना, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ आप लोगों का प्यार का, इसी तरीके से मेरे हर गाने को प्यार देना, हर हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना। असल लगातार आपकी जो पोस्ट आती जो राखी के ऊपर बनी थी, लोग कह रहे कि ये असली कहानी आपने दिखाई है आपके गाने के माध्यम से, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मेरी ट्रू स्टोरी है, कुछ भी इसमें ऊपर नीचे नहीं है, प्रॉपर लीगल स्टोरी, जो भी चीज़ें मैंने कोर्ट में दी है उसी चीज़ों को लेके हमने बनाई है इस गाने को, प्रॉपर चीज़ों को लेके बनाया है। क्या राखी ने आपको जो परेशान किए थे, क्या क्या मतलब जेल में आप गए थे, देखिए हर चीज़ मैंने दिखाई है, जैसे मैंने BMW गिफ्ट दी थी उस टाइम में, मैंने क्या कपड़े पहने थे, वाइट एंड ब्लैक पैंट, जिस दिन मैं जेल गया था तो जो कपड़े मैंने पहने थे उसी कपड़े को मैंने पहना है, जो जिम के बाहर हम स्पॉट होते थे जो कपड़े हम पहनते थे उसी कपड़ों को हमने पहना है, तो हर चीज़ को इतनी बारीकी से काम किया है और 1.5 साल की जो मैंने ज़िंदगी में झेला है टॉर्चर, उसको 3 दिन में शूट करके 4 मिनट में दिखाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बट हाँ दिखाने की कोशिश की है। जो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा सवाल था कि क्यों आपकी और राखी में अनबन है, जो मैं कहता था बिकॉज राखी के रितेश के साथ संबंध थे और दोनों बंटी बबली हैं, दोनों मिलके ठगते हैं लोगों को, वो क्या हो रहा था UK में, किस तरीके से गई थी उसके साथ, उसके संबंध रखी थी उसने और मुझे धोखा देने लगी, सब कुछ मैंने कवर करके गाने के थ्रू पोर्ट्रे करके दिखाया है और लोगों को समझ आया है। जहाँ भी जाता हूँ, कल भी एक इवेंट में गया था, जो भी इवेंट में जाता हूँ मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि मेरा गाना आया है, लोग मेरे गाने को रिकग्नाइज़ करके बड़े बड़े LEDs लगा के उसमें प्ले करके जो मुझे दिखाते हैं, जो मुझे फील होता है, सच में मैं इमोशनल हो जाता हूँ, जो मुझे प्यार मिलता है लोगों को देख के कि यू लव मी सो मच। आपकी जो पोस्ट आती थी और आपने जो दिखाया है गाने में, जहाँ पर रितेश के साथ राखी सिलेक्ट हो रही है उनके रिलेशनशिप को, क्या ये आपने खुद देखा था उनको या आपने पकड़ा था उन्हें, इस तरह का आपने जो दिखाया? नहीं, मुझे पता था बिकॉज वो तो UK में हुआ था, दैट टाइम आई वॉज इन दुबई, मुझे सब कुछ पता था कि कमरा वो दोनों शेयर कर रहे थे। देखो इतना तो आपको पता चल ही जाएगा, जब एक होटल में आप दोनों एक कमरे में रह रहे हो तो आपको पता ही चल जाएगा, फुटेजेस आपको मिलते हैं, CCTV आपके पास रहता है, आपका नोन सोर्सेज रहते हैं, तो ये तो मुझे पता ही था। अब एक कमरे में क्या होगा, जब मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ और कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा था, मेरा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था, तो इसी चीज़ को हमने दिखाई है। आपकी जो पोस्ट चल रही है, उन्होंने राखी का रोल काफ़ी अच्छा निभाया है, क्या? बहुत अच्छा निभाया है, अगर वो उस कैरेक्टर में नहीं होती तो ये गाना मुझे नहीं लगता उसको कोई और भी इतनी खूबसूरती से वो गाना बिल्कुल नहीं कर पाता। शी इज प्लेड अ वेरी बिग रोल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ प्लस इन माय सॉन्ग। आपके जो फैंस हैं उन्होंने काफ़ी पसंद किया इस गाने को, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? थैंक यू गाइस, आपका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, जो मेरे गाने को मिलियंस में हफ्तों में पहुँचाने का काम आपका था, आपने पहुँचाया था, मुझे हर एक नर्वसनेस का सवाल आप हो, हर मेरी आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ, दिन में 2 घंटा सो नहीं पाता हूँ, जिम, एक्टिंग क्लास, डांस क्लास, डिक्शन क्लास, हर चीज़ में करता हूँ, इतने सारे क्लासेस में लेता हूँ, बिकॉज कि मैं इतना ट्रांसफॉर्म होकर इतने ज़्यादा मेरे अंदर चेंजेस लेके आऊँ कि मैं आपको दी बेस्ट एंटरटेनर बन के दिखाऊँ। आदिल खान दुरानी का आप एंटरटेनमेंट साइड देखो। ओके।